नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर भारत ने वनडे विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 398 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। भारत ने साल 2011 के विश्व कप फाइनल में भी जगह बनाई थी जो भारत में खेला गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत की ओर शमी ने 7 विकेट लिए, वहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप ने एक एक बल्लेबाज को आउट किया। शमी पहले ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में एक पारी में 7 विकेट चटकाए। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में बुधवार को अपने 50वें शतक के साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा। तेंदुलकर ने वनडे में 49 शतकों का रिकॉर्ड बनाया था। विराट ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां शतक मारा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में अभी भी फंसे हैं 40 मजदूर। पिछले 5 दिनों से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कई कोशिशों के बाद अब थाईलैंड की गुफा में बच्चों को निकालने वालों की ली जा रही है मदद। बता दें कि टनल धंसने से वहां काम कर रहे 40 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बस सड़क से फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई, 19 अन्य लोग घायल हो गए। बस में करीब 56 यात्री सवार थे। यात्रियों से भरी यह बस बटूटे किश्तवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार हुई। दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस के S6 कोच में लगी आग। 19 लोग मामूली रूप से झुलसे, धुएं से सांस लेने में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को भी दरभंगा जा रही ट्रेन के कई डिब्बे में आग लग गई। 12 घंटे में ट्रेन हादसे की दूसरी घटना है। फिल्म जर्नी के शूटिंग के दौरान फैन को नाना ने जड़ा थप्पड़। नाना का यह व्यवहार कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब नाना ने इसके लिए माफी मांगी है। नाना ने बताया कि मुझे लगा कि जिस बच्चे को मैंने थप्पड़ मारा वो हमारा ही बंदा है और हमने सीन के हिसाब से उसे थप्पड़ मारा। बाद में पता चला कि वह हमारा बंदा नहीं था। प्रियंका गांधी ने सिंधिया को लेकर कहा, हाइट कम है मगर अहंकार वाह वाह। प्रियंका के स्तंज के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया और कहा, अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें आईना देखने की जरूरत है। प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेत्री हैं। विदेश मंत्री अजय शंकर ने निजर मामले में कनाडा को 2 टूक जवाब दिया। कहा, हम जांच के लिए तैयार हैं लेकिन पहले कनाडा इस मामले में सबूत मुहैया कराए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मीटिंग के बाद बताया तानाशाह। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए अमेरिका गए हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।